हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ग्रिनल पटेल और आप देख रहे हैं मेरी चैनल टेक्निकल देसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल में। दोस्तों, यहां पे हमने लास्ट में तीन प्रोडक्ट की जो अनबॉक्सिंग है वो फिनिश कर दी है, यानी कि जो तीन प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग हमने कर दी है, जहां पे हमने एलईडी लाइट यानी कि जो नाइट में बुक्स को रीडिंग करने के लिए या लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठते समय आपको जो थोड़ी सी रोशनी की जरूरत पड़ती है उसके लिए जो वो एलईडी लाइट की हमने अनबॉक्सिंग की है। उसके बाद हमने एक वायरलेस ब्लूटूथ एलईडी स्पीकर की अनबॉक्सिंग की है और तीसरा है वर्चुअल रियलिटी बॉक्स वीआर बॉक्स, जो ऑलरेडी अनबॉक्सिंग करने के बाद तुरंत हमें देखा कि वो टूटा हुआ आया था। इसके लिए ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको दोनों चीज़ें खरीदनी है, जो नाइट रीडिंग लाइट लैम्प है, छोटा सा एलईडी लैम्प है वो, और वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर, तो मैंने उसके जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास तीन प्रोडक्ट और बची हुई है, तीन प्रोडक्ट की जो अनबॉक्सिंग है वो कर दी है। तो आज भी मुझे ये नहीं पता है कि किस बॉक्स के अंदर कौन सी प्रोडक्ट रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जो अनबॉक्सिंग किया था वीआर बॉक्स का, वो तो टूटा हुआ आया, जिसको मैंने फिर से रिटर्न भेज दिया बॉक्स में पैक करके। तो दोस्तों, इस बार हम देखेंगे कि कुछ और चीज़ भी टूटी हुई निकलती है या सही निकलती है। तो दोस्तों, हमारे पास अभी तीन पार्सल बचे हैं, जिसमें से मैं फिर से एक पिक करता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी इसमें से ये चीज़ पिक करता हूँ, इस दो को साइड पर रख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे इसका जो पैकेजिंग है वो कुछ अच्छा किया गया है, पूरे पैकेट में दिया गया है, तो आशा रखता हूँ कि इसके अंदर जो मटेरियल होगा यानी कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट होगी वो अच्छी होगी, ब्रोकन मतलब टूटी हुई नहीं होगी। दोस्तों, इसको काफ़ी अच्छे से पैक किया गया है, बिल्कुल क्योंकि इसमें जैसे टूटने का भय रहता है, टूटने का डर रहता है, इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा जो पैकिंग की गई है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैजिक बॉक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं खोल के कि क्या चीज़ है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे तरह पैक किया गया है। दोस्तों, ये है OTG स्मार्ट कनेक्शन किट, यानी कि ये है OTG। यहाँ पे हम शायद पेन ड्राइव लगा सकते हैं और ये जो पिन है वो जो मोबाइल में है वो लग सकती है, कन्वर्टर जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OTG का फंक्शन क्या है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि ये एक OG USB केबल दिया गया है। मुझे लगता है इसकी जैसी पैकेजिंग दिख रही है वैसे ही इसकी क्वालिटी भी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटी USB केबल, तो आशा रखता हूँ कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। दोस्तों, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, 3D मैग्नीफाइंग ग्लास, एंड्रॉयड स्क्रीन मोबाइल फ़ोन। तो चलिए दोस्तों, इसे हम खोल लेते हैं। दोस्तों, मुझे ये लग रहा था कि ये एकदम व्हाइट कलर का होगा, लेकिन ये लाइट येलो कलर का दिख रहा है। अब मैं इसे थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, एनलार्ज कर देता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी यहाँ पे कुछ कुछ स्क्रेचेस लगे हुए हैं साइड साइड पे। एक बार इसमें देख लेते हैं ये किस तरह यूज होता है। फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन ब्रैकेट और थर्ड मोबाइल फोन ब्रैकेट।
तो चलिए दोस्तों इसे हम एक बार मोबाइल में कनेक्ट करके यानी कि इसके अंदर मोबाइल को इंसर्ट करके देख लेते हैं कि इसकी जो क्लियरिटी है वो कैसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो मैग्नीफाइंग क्वालिटी है, मैग्नीफाइंग जो रेंज है वो कुछ इस तरह की है। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे इसको यहाँ पे जो सपोर्ट के लिए ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतना मैग्नीफाई कर रहा है। दोस्तों ये चीज़ अच्छी होती अगर इसका जो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो प्लास्टिक का लग रहा है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास अगर वाइट होता तो इसकी जो ये क्लियरिटी रहती वो काफ़ी अच्छी रहती। इसकी जो ये रेंज है इतनी रेंज में दोस्तों मुझे लगता है यही चीज़ मिल सकती है। यहाँ से दोनों होल है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, यानी कि हमें इसको थोड़ा संभालना पड़ेगा कि इस दोनों साइड से दोनों में से एक साइड से गिर ना जाए। यहाँ से भी निकल जाएगा और ये यहाँ से भी निकल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। दोस्तों इसे हम पूरा टोटली बंद भी कर सकते हैं और ये इसके अंदर चला आ जाएगा। दोस्तों जितना हम इसे पीछे करेंगे उतना ही ये मैग्नीफाई ज़्यादा करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर दोस्तों हम इसे थोड़ा सा बंद कर लेते हैं तो ये इसके अंदर आ जाएगा, अटक जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर पूरा इसको हम क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे तो ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। ज़्यादा मैग्नीफाई करना है तो हमें इसे पूरा खोलना पड़ेगा। दोस्तों आपने देख लिया है कि ये कितना मैग्नीफाई कर सकता है। जितना हम इसको बंद करेंगे यानी कि जितना हम इसे क्लोज करेंगे उतना ही ये मैग्नीफाई कम करेगा और जितना हम इसे खोलेंगे उतना ये मैग्नीफाई ज़्यादा करेगा, यानी कि ये इसकी जो स्क्रीन है वो एनलार्ज होगी। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 3D, इसका मतलब हो सकता है कि ये जो 3D मूवीज़ है उसके अंदर आपको अच्छी दिखे। और ये जो ग्लास दिया गया येलो टाइप का, लाइट येलो टाइप का, ये स्पेशली 3D के लिए दिया गया हो सकता है। तो दोस्तों चलो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ कोई भी 3D मूवी देख के रख के और हम लाइट ऑफ कर देते हैं और लाइट ऑफ में ये कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। मैं आपको मोबाइल में से निकाल के दिखा देता हूँ, ये इस तरह है और मैं इसके अंदर रख के दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों ये काफी अच्छा दिख रहा है नाइट के अंदर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट में ये अच्छा दिख रहा है। दोस्तों ये नाइट में तो अच्छा दिख रहा है। चलिए दोस्तों इसको हम कोई 3D मूवी ट्राई कर लेते हैं। दोस्तों इसकी जो 3D इफेक्ट है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये कहने के लिए 3D है लेकिन ये बिल्कुल भी 3D नहीं लग रहा है। सिर्फ ये मैग्नीफाई कर रहा है जो स्क्रीन है उसे, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये 3D है। और इसका जो ग्लास है वो येलो टाइप का दिया गया है, इसकी वजह से लग रहा है कि भाई ये 3D में दिखा रहा है स्क्रीन को, लेकिन ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि 3D है। तो दोस्तों ये चीज़ 3D के हिसाब से तो पता नहीं कैसी है, लेकिन अगर आप नाइट में इसको देखना चाहें तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत कम दाम में चीज़ पा सकते हैं। इसकी जो इसकी अगर मान लो कि अगर इसको मुझे मार्क्स देना रहे तो इसको मैं 10 में से 3 या 3.5 मार्क्स दूंगा। और उसकी वजह से ये जो चीज़ें मिली है साथ में, उसकी वजह से मैं इस पूरी चीज़ को अंडर 300 रुपये के रेंज में मैं उसको 5-6 मार्क्स दे सकता हूँ, 6 मार्क्स तक दे सकता हूँ। तो दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि आपको ये जो मटेरियल है वो कैसा लगा, ये आइटम कैसी लगी। जैसे कि इस बॉक्स के ऊपर दिखाया गया है, इस तरह की जो पोस्टर दिखाई गई है और ये पोस्टर दी गई है, वैसे ये है नहीं। ये कहता है कि 3D है लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि ये 3D है। ये नॉर्मल सिर्फ ये नॉर्मल मुझे लगता है सिर्फ जो स्क्रीन है उसे एनराज करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये चीज़ आपको पसंद आई कि नहीं आई। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों अगर आपको ये ख़रीदना हो तो आप डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो शायद 250 के रेंज के अंदर है। दोस्तों इसके साथ आपको ये 250 यानी कि अंडर 300, ये 300 रुपये के अंदर में आपको ये इसके साथ ये दो चीज़ें आपको मिल सकती है। आपको ये OTG केबल मिलेगा और उसके साथ साथ ये जो ये USB केबल मिलेगा और आपको ये इसके साथ OTG एक पोर्ट भी मिलेगा, किट भी मिलेगा, कनेक्शन किट। तो दोस्तों आपको इसके साथ साथ ये दो चीज़ का भी फ़ायदा हो सकता है 300 रुपये के अंदर में। अगर आपको ये दोनों अलग अलग चीज़ खरीदनी है तो इसके 150 रुपीज़, इसका 150 रुपीज़ और इसको आपको अलग से 200 रुपीज़ समथिंग पे करने होंगे। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि आपको ये ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, या आपको ये चीज़ पसंद आई कि नहीं पसंद आई। दोस्तों आज जो हमने अनबॉक्सिंग की है 3D एनलार्ज मैग्नीफायर बॉक्स, ये जो चीज़ है मुझे ठीक ठीक लगी, एवरेज, उतनी अच्छी भी नहीं लगी उतनी ख़राब भी नहीं लगी, लेकिन इतने कम पैसे में यानी कि 250 या 300 रुपए के अंदर में ये चीज़ आ रही है तो वो भी ख़राब तो नहीं है। लेकिन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। मैं इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाके ले सकते हैं अगर आपको लेना हो तो। इस चीज़ के लिए मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा या फिर मैं आपको बिल्कुल भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो और रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे में जो लाइक का बटन है उसके ऊपर प्रेस कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उसके बाजू में जो घंटी का सिंबल है वो दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में या फिर अगले अनबॉक्सिंग में, जो हमारे दो अभी और बाकी है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मेरा वीडियो देखने के लिए और आपका कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।